दिल्ली विश्वविद्यालय में एवीवीपी के समर्थक या एवीवीपी के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। कि कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोड़ी, खुद वायलेंस कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में जबरदस्ती घुस रहे हैं, दूसरे संगठन के जो वर्कर हैं उनको पीट रहे हैं, पुलिस जो है जबरदस्ती उनको डिटेन कर रही है, और वही लोग जो है मीडिया को यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने वायलेंस किया। अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके खिलाफ हम मुखरता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे कि वो सब कुछ तमाम कुछ लगा लें, पूरी ताकत लगा लें। एक तरफ शासन और प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं, और ये विक्ट्री होगी ये स्टूडेंट्स की, और ये हार होगी सरकार की, अराजकता की। आनन फानन में ये महिला का समर्थक होने का दावा तो कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आरएसएस का कोई भी सर संघ चालक जो है वो महिला नहीं बनी है। बीजेपी के ऊपर बैठे हुए नेताओं को कहेगा कि साहब हमने आज एनएसयूआई के लोगों को पीट दिया है। तो ये नंबर बनाने की जो है आपाधापी पैदा हो गई है, और इसमें सबसे दुखद और शर्मनाक ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि ये तो हर चुनाव में होता है, आपको वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए, दिल्ली पुलिस जो है आपके अंडर में है, सरकार के अंडर में है, भाजपा सरकार के अंडर में है, गृह मंत्री के अंडर में है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। रादर देन उस पर कार्रवाई करने के आप कह रहे हैं ये तो होता है, कि इनकी गुंडागर्दी का जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देने में सक्षम है। धन्यवाद नीरज जी, हमारे सम्मानित विनीत पुनिया जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी और पत्रकार साथियों, आज हम आपको सुबह सुबह एक बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ बुलाए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विश्वविद्यालय के चुनाव विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहते हैं, छोटी मोटी जो है छात्र संगठनों के बीच आपसी झड़प, बहसबाजी, बात विवाद, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सीन दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वो बहुत ही गंभीर है, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां पर सिर्फ देश के ही नहीं दूसरे देश के भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और आज बार बार जो है बीजेपी कहती है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो इस तकनीकी क्रांति के दौर में कहीं की बात कहीं तक पहुंचती है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायलेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या जो थर्ड ईयर से में हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब के परिवारों को चिंता होगी। तो इस संबंध में हम आपसे कुछ बातें रखना चाहते हैं। सबसे अव्वल तो ये आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते, मतलब बम और पिस्तौल से बदलाव रोका भी नहीं जा सकता है। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं ही। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। और वो लगातार जो एक गौरवशाली चीज है, भारत में 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है, और ये छात्रों के लिए विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपकी सूचना के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं,
और आपने देखा कि कोरोना में सब ने अपनों को खोया, कोरोना जो है एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन कोरोना जो है कब महामारी है और कब बहाना है ये सरकार अपने तरीके से तय करती है। तमाम तरह के जो है चुनाव हुए देश में, लेकिन विश्वविद्यालयों के चुनाव को रोक दिया गया। खैर, अब जब चुनाव हो रहे हैं ये एक स्वागत योग्य कदम था और इसका हमने NSUI की तरफ से स्वागत भी किया, लेकिन जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है इनकी कुछ चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले तो नॉमिनेशन और इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 12 तारीख को नॉमिनेशन होगा, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि फिर एक और नोटिस आई और नॉमिनेशन का डेट जो है वो 12 से 14 कर दिया गया। यह जो नोटिफिकेशन आया इसमें एक और चीज़ पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोरोना के आधार पर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, 3 साल का। और ये जो रिलैक्सेशन है ये रिलैक्सेशन एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय के जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। मतलब बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से जो है यह नोटिस लाया गया। खैर, अगर विद्यार्थियों को कोई भी लाभ मिल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि ABBP कुछ भी करे उसको खुली छूट है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में दूसरे संगठनों के, खास करके जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि ABBP का पिछले 4 सालों की जो अराजकता है उस पर कोई पूर्ण विराम लगा सकता है तो वह NSUI है। तो खास करके NSUI के जो वर्कर हैं, जो लोग NSUI के लिए प्रचार कर रहे हैं, समर्थक हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाना शुरू हुआ। वो सामान्य तौर पे अगर अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, तो जो है उनकी अवैध गिरफ्तारियां शुरू हुई, पोस्टर फाड़े गए। और ये बात हम सिर्फ चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में ABBP के समर्थक या ABBP के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है गर्ल्स हॉस्टल में जबरदस्ती गेट के ऊपर चढ़ करके घुस रहे हैं, किस तरीके से जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टरबेंस कर रहे हैं, किस तरीके से आम विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के नाम पर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है पैदा की जा रही है, तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है। यह एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है और जब जैसा कि हमने आपको कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह की बात हर जगह पहुंचती है, तो ये हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखिए सबसे इसमें खतरनाक बात क्या है कि कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोड़ी, खुद वायलेंस कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में जबरदस्ती घुस रहे हैं, दूसरे संगठन के जो वर्कर हैं उनको पीट रहे हैं, पुलिस जो है जबरदस्ती उनको डिटेन कर रही है, और वही लोग जो है मीडिया को यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि NSUI के लोगों ने वायलेंस किया। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी हमको दी है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आइए जो NSUI का वर्कर हो, जिसने कोई भी हिंसा की हो, कोई गड़बड़ी की हो, हम कार्रवाई करेंगे। यह पूरी तरह से झूठ है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम विश्वविद्यालय के मामले को विश्वविद्यालय तक ही रखना चाहते थे, अनावश्यक तौर पे जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं उनके माँ बाप जो गाँव में हैं और दूसरे दूसरे शहरों में हैं, हम उनके मन में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते थे, लेकिन यह जो हमारी भलमनसाहत है, इंसानियत है, इसको यह हमारी कमजोरी समझते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आपसे डरते नहीं हैं, हमारे नेता ने कहा है डरो मत, कल भी पार्लियामेंट में कहा है, तो हम डरने वाले नहीं हैं,
आपकी गुंडागर्दी का एक एक जवाब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको देने वाले हैं 22 तारीख को जो मतदान होने वाला है। और इसमें हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को गहरी चोट, NSY को पैनल वोट। पूरा जो हमारा पैनल है 4165, पूरे पैनल को हर कॉलेज में, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर लिंग के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत, गोला बारूद, सरकार, शासन प्रशासन, सब कुछ होने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने के बाद भी जो है उनको हार से डर लग रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर जो शिक्षा का माहौल है उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। शांति, सत्य, भाईचारा और लोगों के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार, इसको हम सुरक्षित करेंगे। शिक्षा जो है वो हमारे लिए हमारा संवैधानिक बुनियादी अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबकी सस्ती अच्छी पढ़ाई हमारा बुनियादी अधिकार है, इसको हम किसी भी सूरत में जो है रोकने नहीं देंगे। और यह जो पूरा का पूरा वातावरण विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया है, इस वातावरण के खिलाफ भी जिस तरीके से हम देश के भी अन्य मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, कैंपस के भीतर जो यह परिस्थिति AVP ने पैदा की है उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी एक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो हमारे पूर्वोत्तर के छात्र हैं उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणी करके उनको जो है उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और आप अगर इस बात की तफसीस करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय जाकर के घूम करके देख लीजिए। आप जो है थाने में तो आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि जब पुलिस की मौजूदगी में ही, उनकी जो है उपस्थिति में यह कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये अलग अलग तरीके से, खास करके जो पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं, जो पूर्वोत्तर के विद्यार्थी हैं, जो दक्षिण भारत के विद्यार्थी हैं, खास करके जो है उन विद्यार्थियों को ये डरा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनका इतिहास यही है, इसीलिए AVBP जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता। और यह बात जो है मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूँ। और साल भर, दो साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले एक महीने में जो है जितनी गुंडागर्दी और वायलेंस की घटनाएं AVP के लोगों ने की है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा। और वह जो कह रहे हैं कि NSY के लोगों ने किया है, तो एक प्रश्न आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं मीठिया के साथियों से आग्रह करता हूँ कि गृह मंत्री उनका, दिल्ली पुलिस उनके अंदर में, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके अंडर में, यहाँ पर जो है LG उनके हैं, देश में सरकार उनकी है, पूरा का पूरा जो है उनकी हेजमनी है। उस वक्त जो है वो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और देश को भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल अब सिर्फ विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, ये देश और समाज का भी सवाल है, हम आप सबसे यह आग्रह करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो हमारा विचार है, जो हमारा एजेंडा है, उससे हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। और एजेंडा हमारा ये है कि इस बार, पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेंस एजेंडा लाया गया है। और उस एजेंडे की सबसे खास बात यह है कि महीने के दो दिन, कम से कम दो दिन जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, और इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने जिस तरीके से रेस्पॉन्ड किया है, खास बात यह है कि जब हमारे कैंपेनर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो महिला शिक्षिका आकर के कहती हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा को, जिस तरीके से कॉलेज के भीतर जो NSY से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर से आते हैं, वापस घर को जाते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों का एक व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतें और तुरंत से जो है भाजपा में मंत्री बनने का जो है विकल्प खुला हुआ है। जो सरकार में होते हैं उनके प्रति यह आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं और लगातार इस देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आप हमारे पैनल को भी देखिए,
हमारा पैनल साधारण किसान बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, और हमारा जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो पॉजिटिव वाइव है, उससे व्यापक तरीके से विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं और विद्यार्थियों की सेवा करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। और हमारा जो पैनल है उसमें एक लड़की के पिताजी जो है वो आर्मी में थे, माताजी उनकी जो है किसान है, तो वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इश्यूज हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डूसू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दाव पे लगी हुई है, तो जो उनका असली करैक्टर है ना, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक डेमोक्रेटिक पैनल है जो पैनल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, हम विद्यार्थियों के लिए जैसे सतत लड़ते रहे हैं हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और आप लोगों की नोटिस के लिए बताना चाहता हूँ, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था ठीक उसके बगल में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे वो बगल में बैठे हुए थे और उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन विद्यार्थी लगातार इस देश में होने वाले किसी अन्याय को लेकर के जितनी उनकी क्षमता है वो आवाज़ को उठाते हैं। वो कहानी आप सब लोगों ने सुना है कि एक कोयल जो है अपने चोंच में पानी लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रही है, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। और उस किसान आंदोलन में जो हमारा पैनल के कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पहलवान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे, और उन्होंने ये देखा कि मणिपुर के लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है, फिर NSY ने उसको सवाल बनाया। और ये दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी कि जब तक वो एक विचलित करने वाला वीडियो नहीं आया तब तक देश और दुनिया का ध्यान मणिपुर पर आकर्षित नहीं हुआ। तो ये सब सवाल उठाने के चलते जानबूझ करके, खास करके जो पूर्वोत्तर का समर्थन, पूर्वांचल का समर्थन मिल रहा है, जो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, उत्तर पूर्व के विद्यार्थी हैं, जो उनका समर्थन मिल रहा है, साउथ के जो संगठन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैत्रेयी ऑर्गेनाइजेशन है केरला का, उसका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो AVP कहीं ना कहीं घबराई हुई है और जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। तो हम बार बार कहते हैं कि वो सब कुछ, तमाम कुछ लगा लें, पूरी ताकत लगा लें, एक तरफ शासन और प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों का यह प्रथम धर्म है कि वो शिक्षा के बुनियादी अधिकार की रक्षा करें, और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने का काम करे। अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके खिलाफ हम मुखरता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर JNU में 10 रुपये में लोग पढ़ सकते हैं तो उसी पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है? शिक्षा जब हमारा बुनियादी अधिकार है तो वह बुनियादी अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? जब प्रगति की, विकास के बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं तो उस प्रचार में हम विद्यार्थियों का भविष्य कहाँ है? इस देश के नौजवानों का भविष्य कहाँ है? जब सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, देश की राजधानी में, जहां पूरा का पूरा शासन प्रशासन बैठा हुआ है, उसके नाक के नीचे दिन दहाड़े विद्यार्थियों के साथ अगर हिंसा हो रही है तो यह बड़ा ही शर्मनाक है। और इसी बात को आप लोगों के संज्ञान में लाने हेतु, और जो लोग आपके माध्यम से, देश के लोग इसको देख रहे हैं, उनके संज्ञान में लाने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और हम विद्यार्थियों को भी और अभिभावकों को भी यह आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, पूरा का पूरा ताकत लगाने के बावजूद, जो हमने कहा कि भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता, तो बम और पिस्तौल जो है वो बदलाव को रोक भी नहीं सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक नई करवट ले रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, चाहे वो पूर्वांचल के स्टूडेंट हों या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हों, साउथ के हों, भारत के किसी भी इलाके से आए हुए जो विद्यार्थी हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और NSY का एक एक कार्यकर्ता
आखिरी दम तक विश्वविद्यालय का माहौल ठीक बना करके रखेगा और हम पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से स्टूडेंट्स एजेंडा बनाए हैं, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, महिलाओं से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, इस पॉजिटिव वाइब के साथ, इस पॉजिटिव एजेंडे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आगामी 22 तारीख को यानी कल जो हमारा पैनल है किसानों का, जवानों का और इस देश में संविधान के जो मूल्य हैं उसको रक्षा करने का, यह पैनल जरूर जीतेगा। इसीलिए हमने कहा है कि यह पैनल है जय जवान का, जय किसान का, जय संविधान का। और जो हमारा पैनल नंबर है 4165, ये विक्ट्री होगी और ये विक्ट्री होगी स्टूडेंट्स की और ये हार होगी सरकार की, अराजकता की। यही बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। आप सब लोग बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए और सुबह सुबह आए, पार्लियामेंट भी चल रहा है, फिर भी आपने जो है विद्यार्थियों के एजेंडे को, दिल्ली विश्वविद्यालय के एजेंडे को महत्वपूर्ण समझा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आनन फानन में ये महिला का समर्थक होने का दावा तो कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आरएसएस का कोई भी सर संघ चालक जो है वो महिला नहीं बनी है। और जो जो हम तो कहते हैं कि कम से कम इस बीजेपी से पिछली बीजेपी थोड़े ज़्यादा अच्छी थी, कि कम से कम वहाँ पे सुषमा स्वराज जी जो है एक प्रोमिनेंट फेस थी। अब क्या है, अब तो हर किसी को एक ही टास्क दिया गया है कि आपको बस नमो नमो करते रहना है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो NSUI हमेशा से जो है महिलाओं के हक में खड़ा रहती है और प्रोग्रेसिव चीज़ें लेकर के आती है। मैं कह रहा हूँ पहली बार वुमेन्स एजेंडा हम लेकर के आए हैं। ABBP जो है आनन फानन में पता नहीं कुछ लाई है कि नहीं लाई है, लेकिन वो इस बात से रैटल्ड बहुत है कि जो डिमांड हम स्टूडेंट से फीडबैक के आधार पर लेकर के आए हैं कि महीने में दो दिन, 4 महीने का सेमेस्टर है तो आप महीने में 2 दिन के हिसाब से उनको लेक्चर में एग्जेम्पशन दे दीजिए, जो कठिन दिन हैं पीरियड के, जो माहवारी के, जो उसमें उनको जो है यह रिलैक्सेशन होना चाहिए कि अगर उस जो है शारीरिक परिस्थिति के चलते जो नेचुरल है, अगर उनका लेक्चर छूटता है तो जो मैंडेटरी 75% अटेंडेंस होता है उसमें उनको जो है लेक्चर का एग्जम्पशन मिले। और अब तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद बहानेबाजी का भी कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया जो है वर्क फ्रॉम होम से चली, तो जो है लेक्चर भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो महिलाएं लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बराबरी से पुरुषों के कंधे से कंधे मिला करके खरी हुई है, लेकिन जो उनका एक बर्थ राइट है, जो नेचुरल है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसी से सृष्टि, उसी से संसार चलता है, तो उसको जो है अछूत बनाने की बजाय उसको हमको नीति निर्धारण का हिस्सा बनाना चाहिए। इसीलिए हम महीने में 2 दिन जो है मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रहे हैं और भारी तौर पे जो जो विद्यार्थी हैं उनसे हमको समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि ABBP अनर्गल जो है वो आरोप लगाती है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमने कहा कि आप उनका और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। और मैं कहता हूँ कि यह जो पूरी की पूरी परिस्थिति है इसका डिजाइन हमको समझना पड़ेगा। परिस्थिति ये है कि जब शासन और प्रशासन किसी खास संगठन के तथाकथित कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी हो जाएगी, तो जो मनचले टाइप के हैं, जो गुंडे टाइप के हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, बस वो नेता को वीडियो दिखा करके अपना नंबर बनाना चाहते हैं कि देखिए जी साहब, हमने जो है NSUI के कार्यकर्ताओं को पीट दिया है, अब हमको वार्डर का टिकट कंफर्म कर दीजिए। या जो वार्डर वो जिस MLA क्षेत्र में है वहाँ का MLA जो है वो BJP के ऊपर बैठे हुए नेताओं को कहेगा कि साहब हमने आज NSUI के लोगों को पीट दिया है। तो ये नंबर बनाने की जो है आपाधापी पैदा हो गई है। और इसमें सबसे दुखद और शर्मनाक ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, आप सब इस पे विचार कीजिएगा कि कितनी चिंताजनक है, कि उन्होंने कहा कि ये तो हर चुनाव में होता है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए, दिल्ली पुलिस जो है आपके अंडर में है, सरकार के अंडर में है, भाजपा सरकार के अंडर में है, गृह मंत्री के अंडर में है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। रादर देन उस पर कार्रवाई करने के आप कह रहे हैं ये तो होता है। और सोशल मीडिया की वजह से आज चीजें वायरल हो जाती है, मतलब चीजें वायरल हो जाना दिक्कत की बात है,
या हिंसा का हो जाना दिक्कत की बात होनी चाहिए, यह शासन और प्रशासन का फेलियर है। तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे हम लोग जो है गंभीरता से मतलब कहते हैं एट मोस्ट कंसर्न, उसकी के तहत जो है हम आपसे बातचीत के लिए आए हैं और आपको भी और आपके माध्यम से पूरे देश को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी का जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देने में सक्षम है। इसीलिए हमने कहा कि गुंडागर्दी पर गहरी चोट, NSUI को पैनल वोट, हम एक एक विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और कैंपस का जो माहौल है किसी भी सूरत में इसको बिगड़ने नहीं देंगे और शासन प्रशासन और सरकार का जो यह गठजोड़ है उसको विद्यार्थी जो है वो परास्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।